हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज। ये सीरीज़ का सेट नंबर 1.1 रहेगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस जीएस के कवर करेंगे। ये 25 क्वेश्चंस जीएस के प्रीवियस एग्ज़ाम पर बेस्ड होंगे और स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। जितना ज़्यादा इस वीडियो को रिस्पॉन्स आएगा, उसी हिसाब से हम जो क्वेश्चंस की संख्या है उसको बढ़ाते रहेंगे। आज कवर करेंगे 25 क्वेश्चंस। अगर इस वीडियो को ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में 25 की जगह 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जीएस के जो होंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इसके साथ साथ आपने सभी क्वेश्चंस को खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इन 25 क्वेश्चंस के साथ साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो स्पेशली आपके जीके पोर्शन के लिए आपकी हेल्प करेंगे। सो आप ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आ स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी एक स्पोर्ट डांस है जिसका नाम है थोड़ा। यहाँ पे आप जो स्पोर्ट डांस है वो देख सकते हो, ये इस प्रकार का डांस होता है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये थोड़ा आ स्पोर्ट डांस। आपके ऑप्शन हैं सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। ये जो बिलोंग करता है वो करता है हिमाचल प्रदेश से। सो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आप भी याद रखिए, जो हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो हैं जयराम ठाकुर, और जो गवर्नर हैं वो हैं बंदारू दत्तात्रेय। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कौन सा देश है जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था सबसे पहले GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर USA। ये कंट्री है फ्रांस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, इंडिया में जो GST अडॉप्ट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, वो किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये थी 101st अमेंडमेंट 2017। 2017 में 101 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें हमने इंप्लीमेंट किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए जो ऑफिशियल बॉडी है उसको बोलते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसके चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार। और डायरेक्ट टैक्स के लिए जो बॉडी है ऑफिशियली, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये है CBDT। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ये भी आप याद रखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा इन। यानी एक कंपनी है जिसका नाम है इन शॉर्ट टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा। किस ईयर में किया गया था? आपके ऑप्शन है 1911, 1907, 1913 या फिर 1919। ये जो कंपनी है ये बनाई गई थी 1907 में। सो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, 1907, 26 अगस्त 1907 में बनाई गई थी ये कंपनी, जिसका नाम है टिस्को। सो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, 1907। काफ़ी बारी आपसे पूछ लिया जाता है किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, उसका आंसर होगा दोराबजी टाटा। ये भी आप याद रखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है, इसके जो फर्स्ट फीमेल DGP बने थे वो कौन बने थे? आपके ऑप्शन है किरण बेदी, और कंचन चौधरी, सुंदरी नंदा या फिर अश्वथी टोंग। ये फीमेल है, इसका नाम है सुंदरी नंदा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, सुंदरी नंदा जो हैं ये हैं फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ पुडुचेरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुडुचेरी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, सुंदरी नंदा। इसके अलावा आप ये लिखे, जो पुडुचेरी है इसमें जो CM है वो हैं वी नारायण स्वामी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम भी आप याद रख सकते हो, ये हैं किरण बेदी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876 बाय डैश इन कोलकाता। यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ये 1876 में एस्टैब्लिश की गई थी कोलकाता में। किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? आपके ऑप्शन है वी के चिपलंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या फिर बदरुद्दीन त्यावजी। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है,
इसको एस्टैब्लिश किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, आनंद मोहन बोस जो हैं इनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में, और कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी कोलकाता में। इसी आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय वादियार डायनेस्टी, यानी वादियार डायनेस्टी जो है इसके द्वारा रूल किया गया था, किस प्लेस पे किया गया था। आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, पटना, जबलपुर या फिर मैसूर। इनके द्वारा रूल किया गया था मैसूर कर्नाटका में। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है मैसूर, यहाँ पे किया गया था वादियार डायनेस्टी के द्वारा रूल। इसी आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, मैसूर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस डायनेस्टी को, वादियार डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम है यादू राया वादियार, ये थे जिनके द्वारा वादियार डायनेस्टी को फाउंड किया गया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जो स्वतंत्र भारत है ये पहले जज कौन से थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पीचमेंट के लिए एक इम्पीचमेंट जो है मोशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला मोशन था जो पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन से जज थे जिसके अगेंस्ट ये मोशन जो था वो पास किया गया था। आपके ऑप्शन है जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस वीरास्वामी और जस्टिस रामास्वामी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन, जस्टिस रामास्वामी जो हैं इनके अगेंस्ट ये जो मोशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन, जस्टिस रामास्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये भी याद रखें जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये सबसे बड़ा कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये एस्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं एस ए बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग गाराह कटांगा इन 1564, यानी 1564 में जो मुगल आर्मीज के बीच लड़ाई हो रही थी इसमें एक क्वीन थी जिनकी हत्या हुई थी, इनका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, रानी रुद्रम्बरा या फिर रानी अवंतीबाई। इस क्वेश्चन का आइटम है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, रानी दुर्गावती जो है इनकी हत्या हुई थी इस युद्ध में जो हो रहा था मुगल आर्मीज के अगेंस्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेंपल इन 1026 AD, यानी 1026 AD में जो एक अटैक किया गया था, किसके द्वारा अटैक किया गया था और लूटा गया था फेमस सोमनाथ टेंपल को 1026 AD में, ये किसके द्वारा लूटा गया था। आपके ऑप्शन है महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह या फिर गेंगिस खान, ये लूटा गया था मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, महमूद ऑफ गजनी जो थे इनके द्वारा अटैक किया गया था फेमस सोमनाथ टेंपल पर और लूटा गया था इस टेंपल को जिसका नाम है सोमनाथ टेंपल 1026 AD में। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, महमूद ऑफ गजनी। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019 फॉर हर नॉवल सोलो, यानी एक अवार्ड दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेरी अवार्ड 2019 में, एक नॉवल था जिसका नाम था सोलो। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड दिया गया था 2019 में, ये किसे दिया गया था, यानी सोलो जो नॉवल था इसको लिखा किसने था। आपके ऑप्शन है नायन ज्योत मुखर्जी, अमिताभ घोष, राणा दासगुप्ता या फिर झुम्पा लाहिरी। इस सोलो नाम का नॉवल को लिखा था राणा दासगुप्ता ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, राणा दासगुप्ता जो हैं इनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया था जिसके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड दिया गया था, प्राइज दिया गया था 2019 में नॉवल सोलो के लिए, इसलिए आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, राणा दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी किसके द्वारा फाउंड किया गया था और नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। आपके ऑप्शन है माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क और
क्रिस्टन ऑर्स्टड या फिर एंड्रे मैरी एम्पियर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था एंड्रे मैरी एम्पियर के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन, एंड्री मैरी एम्पियर जो हैं इनके द्वारा फाउंड किया गया था और नेम दिया गया था साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। यानी फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे जिनके द्वारा जो एम्पायर था अपना वो कवर किया गया था पूरे इंडिया को, होल इंडिया और एक्सट्रीम साउथ भी कवर किया गया था इनके एम्पायर के द्वारा। ये कौन से फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिनके द्वारा पूरा का पूरा जो इंडिया था वो कवर किया गया था? आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ये मुस्लिम रूलर थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये एक शासक थे खिलजी वंश के। खिलजी वंश जो था इसको फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था खिलजी डायनेस्टी को, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है जिसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं, ये हमारे पास एक राइट है, फंडामेंटल राइट। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 24, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 19। ये आर्टिकल है आर्टिकल 19। राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट का, ये डील करता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, डैश विच कनेक्ट्स सिक्किम विद तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया इन 1962 बट वाज री ओपन्ड इन 2006 एज द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू इनहांस देयर ट्रेड थ्रो लैंड रोड्स। यानी इंडिया का सिक्किम और तिब्बत चाइना का, इन दोनों के बीच एक रास्ता था जिसका नाम क्या था, जो चाइनीज एग्रेशन जो हुआ था इंडिया के साथ 1962 में, इसलिए इसको क्लोज किया गया था, बट बाद में 2006 में इसको फिर से ओपन किया गया था ताकि इसके माध्यम से जो ट्रेड है हमारा वो लैंड रूट के माध्यम से संभव हो सके, पॉसिबल हो सके। इस पास का जो नाम था वो क्या था? आपके ऑप्शन है लनकला, इमिसला, पेनसिला या फिर नथुला। इस पास का जो नाम था वो था नथुला। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, नथुला जो था ये कनेक्ट करता था सिक्किम को तिब्बत के साथ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन नथुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है ये इंडिया की कौन सी स्टेट को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, उसका आंसर होगा सिक्किम, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर डैश। यानी लोक अदालत जो है ये क्रिएट की गई थी किसके अंडर क्रिएट की गई थी, यानी कौन सा एक्ट था जिसके अंडर क्रिएट की गई थी लोक अदालत? आपके ऑप्शन है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, लीगल कंसिलिएशन एक्ट या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इस क्वेश्चन का ये आइटम्स है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है इसके तहत जो लोक अदालत थी वो क्रिएट की गई थी। इसी आइटम है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। आई होप आप सभी ने यह क्वेश्चन भी सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। यानी टीवी जो रिमोट कंट्रोल होता है ये काम करता है किस प्रिंसिपल बेस्ड है ये जो टीवी का रिमोट होता है? आपके ऑप्शन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इन्फ्रारेड वेव्स टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर लेजर टेक्नोलॉजीज। ये टीवी रिमोट जो है कंट्रोल ये काम करता है ऑन द बेस्ड ऑफ इन्फ्रारेड वेव्स। इसी आइटम साइज क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, इन्फ्रारेड वेव्स पर बेस्ड होता है टीवी रिमोट कंट्रोल, उस पर ही काम करता है, उस पर ही बेस्ड ये काम करता है इन्फ्रारेड वेव्स पर। इसी आइटम साइज क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, अ सस्टेंड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। यानी प्राइस का, जनरल प्राइस का कुछ लेवल का इंक्रीज होना उसको हम इकोनॉमी की टर्म में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन। इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इसी आइटम्स है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, यानी इन्फ्लेशन
यानी कि महंगाई। जब किसी चीज़ का भी जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो राइज होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं महंगाई। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931। यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है ये फाउंड किया गया था 17 दिसंबर 1931 को, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? आपके ऑप्शन है एम एच हंसन, आर ए फिशर, एफ येट्स या फिर पी सी महलानोबिस। ये जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इंडियन, ये एस्टैब्लिश किया गया था पी सी महलानोबिस के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, पी सी महलानोबिस जो हैं इनके द्वारा फाउंड किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 17 दिसंबर 1931 को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, पी सी महलानोबिस। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इंडिया में जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल कहा जाता है, यानी फादर ऑफ स्टैटिस्टिशियन जो कहा जाता है, वो कहा जाता है पी सी महलानोबिस को। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, इन मार्च 2019 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। यानी 2019 में जो पहले लोकपाल अपॉइंट हुए थे उनका नाम क्या था? ये इंडिया के पहले लोकपाल थे जिनको अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में। आपके ऑप्शन हैं जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस एन वी रमाना या फिर जस्टिस ए के सिकरी। ये अपॉइंट किया गया था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो हैं इनको अपॉइंट किया गया था एज द इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, पिनाकी चंद्र घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यानी उस स्टडी को हम क्या कहते हैं जिसके माध्यम से हम माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, यानी इन सभी को देखा जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, पेलियोनोटोलॉजी, नेक्स्ट है आइकोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। इस स्टडी को हम माइक्रो एनाटॉमी यानी सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स की जो देखा जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इस स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, हिस्टोलॉजी बोला जाता है इस स्टडी को जिसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ हिज हर टर्म। यानी किसकी जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी है, अगर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट करना हो यानी हटाना हो, किसकी रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है अगर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति को हटाना हो उसके ऑफिस से उसकी कम्प्लीशन ऑफ टर्म से पहले ही। यानी अगर मान लो उनकी जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है, उससे पहले ही हमने 2 साल में ही इनको हटाना है, उसके लिए हमें जो रिकमेंडेशन चाहिए मैंडेटरी, वो किसकी चाहिए? आपके ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या फिर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट की। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं उसके लिए हमें जो रिकमेंडेशन चाहिए मैंडेटरी वो चाहिए टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा की भी और राज्यसभा की दोनों की रिकमेंडेशन जरूर चाहिए अगर हम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना चाहते हैं। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया के जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हैं ये हैं 14th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जो वेंकैया नायडू हैं हमारे ये हैं 13th वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, याइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक्साइलम जो है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? एक्साइलम हेल्प करता है किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? आपके ऑप्शन है फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स या फिर बोथ फूड एंड वाटर। ये जो एक्साइलम जो है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प की जाती है एक्साइलम के द्वारा। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, वाटर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑफियम इन द वर्ल्ड। यानी कौन सा देश है, नेबरिंग देश है इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है ऑफियम को यानी अफीम को पूरे विश्व में? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर मालदीव्स।
दिए गए चार ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफियम का वो है अफगानिस्तान। ऑफियम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में वो है अफगानिस्तान। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच हैज वन द प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रॉव अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। यानी इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी जो है इसके द्वारा एक जीता गया है, इसका नाम क्या है? इसके द्वारा प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रॉव अवार्ड जीता गया है एक्सीलेंस के लिए इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग के लिए। ये इसका नाम क्या है? ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी होगा जिसको ये अवार्ड दिया गया है। आपके ऑप्शन है आदित्य, अग्नि, नूर या फिर नकुल। ये है आदित्य। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आदित्य जो है ये है इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी जिसको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रॉव अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड वोटिंग। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आदित्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 2020 के जुलाई का, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 नंबर क्वेश्चन। विच डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे हैज़ डिजाइंड अ हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक हु कैन रिमोटली कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। यानी कौन सी सेंट्रल रेलवे की डिवीजन है जिसके द्वारा डिजाइन किया गया है हेल्थ असिस्टेंट रोबोट जिसका नाम है रक्षक। ये कम्युनिकेट करेगा बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच, यानी दोनों के बीच ये कम्युनिकेट करवाएगा ये रोबोट जिसका नाम है रक्षक। इसको कौन सी सेंट्रल रेलवे की डिवीजन है जिसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है? आपके ऑप्शन नागपुर, पुणे, मुंबई या फिर बासुवल। ये है हमारी मुंबई सेंट्रल रेलवे डिवीजन जिसके द्वारा इस रोबोट को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है रक्षक को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मुंबई सेंट्रल रेलवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इंडियन रेलवे जो है इसके जो चेयरमैन हैं, यानी इंडियन रेलवे जो है इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हैं ये हैं रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो रेलवे बोर्ड है इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव जो हैं। इनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, इनको 2023 तक इंडियन रेलवे की मदद से कनेक्ट किया जाएगा। यानी रेलवेज़ के साथ कनेक्ट किया जाएगा 2023 तक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो भी राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपका क्वेश्चन है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड ऑन नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड डैश। यानी एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है संवेदना, मानवता, मित्रता या फिर सुरक्षा। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो ये था मॉक टेस्ट नंबर 1 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, मॉक टेस्ट नंबर 1.1 जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं वो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको डेली बेसिस पर इनको ज्वाइन करना है, बिल्कुल आपको मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डेली बेसिस पर लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं आप किस समय इस सीरीज़ को लाइव देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ये भी आप लिख के जरूर बताएं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में कितने MCQs चाहते हैं। यानी इसमें तो हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर किया है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो, 50 करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको 50 MCQs जो होंगे प्रीवियस एग्जाम पर बेस्ड वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाइफ एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप वाइफ एजुकेशन के नाम पर सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर सभी PDFs आपको एक साथ अवेलेबल करवाई जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको इतना काम करना है, इस मॉक टेस्ट सीरीज को इतना ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को पेड कंटेंट के साथ भी कंपेयर करोगे तो भी आपको इससे अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपको अगर पेड क्वालिटी में भी
पेड कंटेंट में भी आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं, बट आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। इसलिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन पर। और इसके साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई एजुकेशन पर। इसलिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस मॉक टेस्ट सीरीज को शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।